जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। एक रिश्तेदार युवक द्वारा एक युवती को अनैतिक संबंध बनाने के लिए परेशान करने तथा युवती द्वारा विरोध जताने पर उसकी फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का उसके साथ अभद्र कमेंट किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खिलार में रहने वाली कुमारी खुशबू ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि उसके घर पर उसके एक रिश्तेदार युवक का आना जाना था। एक युवक ने चुपचाप से उसकी विभिन्न मुद्राओं में मोबाइल से फोटो खींच ली, इसके बाद उस पर अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। प्रार्थना पत्र में उसने मामले की कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा जानमाल की सुरक्षा किए जाने की गुहार की है। झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने अवगत कराया कि भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत GIS तकनीक पर तैयार की गई झांसी महायोजना 2031 के प्रारूप को विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13 अप्रैल 2022 में अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः झांसी महायोजना 2031 पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के आलोक में जन सामान्य व्यक्ति संस्था से दिनांक 8 जून से 7 जुलाई 2022 तक अपने आपत्ति सुझाव रजिस्टर डाक ईमेल अथवा प्राधिकरण कार्यालय में सीधे जमा किए जाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। मौरानीपुर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला परबारीपुरा में डीजे वालों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला परबारीपुरा में समारोह के दौरान डीजे बजाने वाले युवक के साथ कुछ लोगों के द्वारा गाना बजाने को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद कुछ लोगों के द्वारा डीजे बजा रहे युवक के साथ मारपीट की गई और मारपीट का वीडियो किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झांसी के मौरानीपुर में पति की हैवानियत ने पत्नी को जख्मी कर दिया। बुधवार को शराब के नशे में पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया। पत्नी किसी तरह अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकली और चीखने चिल्लाने लगी। लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो आरोपी पति मौके से भाग निकला। यह पूरा मामला मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला परवारीपुरा का बताया जा रहा है, जहां पीड़िता गीता ने बताया कि 7 साल पहले उसकी शादी मनोज बरार से हुई थी। उसकी 4 साल की बच्ची और एक 5 साल का बेटा है। मनोज बरार मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन वह शराब का भी आदी है, जिससे जितना कमाता नहीं है उससे ज्यादा पैसा शराब पीने में खर्च कर देता है। मनोज आए दिन शराब पीकर घर पर बच्चों के साथ और पत्नी के साथ मारपीट करता है। महोबा में हमेशा से पेयजल की समस्या से जूझता चला आ रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम में पेयजल की भारी किल्लत हो रही है। लोग अपना काम मजदूरी छोड़कर दिन भर टैंकर के इंतजार में घरों से बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। यहाँ पर गांव में टंकी और पाइप तो है, लेकिन उनसे पानी नहीं आता है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। घरों के बाहर बड़ी संख्या में रखे पानी के खाली बर्तन और लोगों की भीड़ का ये नजारा जैतपुर ब्लॉक में आने वाले अजनर गांव का है। ललितपुर में हाईवे 44 पर आगे जा रहे एक ट्रक में पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में कंटेनर चालक सहित 2 लोग घायल हो गए। कंटेनर चालक 1.5 घंटे तक केबिन में ही फंसा रहा। गैस कटर से केबिन को काट कर उसे बाहर निकाला गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। हालत गंभीर होने पर दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बांदा में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला को उसके पति ने कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ पिला दिया। महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने दामाद व उसके परिवार पर जहर देने का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यह पूरी घटना पैरानी थाना क्षेत्र के हरिवंश पुरवा की बताई जा रही है। जालौन में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक ने किशोरी को नशे का पदार्थ सुंघाकर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त किशोरी घर में अकेली थी। आरोपी किशोरी को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया। परिजनों के आने पर पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस
आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। यह पूरा मामला सिरसा करार थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है।